हाय फ्रेंड्स, लगभग करीब एक महीने के बाद मैं वीडियो डाल पाया अभी तक। सॉरी फॉर दैट। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे अच्छी बात तो यह है कि मेरा बेटा हुआ था, तो 25 नवंबर को, तब से उसको ज़रा टेक केयर कर रहा था। और थोड़ा तो दूर छोड़ो। उल्टा तो नहीं लगा रहे हो? और तो कुछ ट्रेडिशंस होते हैं और बहुत सारी चीजें चल रही थी इस समय। तो मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाया इसीलिए। तो मैं बस यही बोल रहा हूँ कि लाइक व्लॉगिंग स्टार्ट हो गया है दोबारा से, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें आपके सामने आने वाली हैं। और साथ में मैं अपना खेत भी बताता हूँ आपको। जब स्टार्टिंग हुआ था तो उसके बाद मैंने आपको दिखाया था कि जब गेहूं वगैरह कर रहा था मैं, तो आज की डेट में देखिए, ये देखिए आप, ये है आपका गेहूं का पेड़। अभी ये लगभग 1.5 महीने के आसपास हो गया है, ये अपने खेत का है। जब आप खेती वगैरह करते हैं तो मतलब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, जैसे गेहूं वगैरह के साथ साथ आपको घास वगैरह हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर हम उसको हटाएंगे नहीं तो हमारा जो प्रोडक्शन हो जाएगा उसकी वजह से। तो कुल मिला के मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि अब व्लॉगिंग स्टार्ट हो गया है अपना दोबारा से, और छोटा यूट्यूबर भी आपके सामने दिखाऊंगा उसको मैं, और आपको मैं दिखाऊंगा कि डे टू डे क्या एक्टिविटी थी। आज का स्टार्ट मेरा यही है कि आज दिन का सुबह करीब 7 बज रहे हैं इस समय। मैं आईटी में हूँ ऑलरेडी, आपको मैंने बता ही रखा था इसमें। जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखा है इससे पहले, उसको मैं भी बता देता हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ,
तो अब मैं सिर्फ यही दिखाना चाहता हूँ इसमें कि जब तक घर से काम करने को मिल रहा है तब तक मैं अपना ये काम सेटल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ें, ये अपना खेती वगैरह है, अपने पापा हैं उनको थोड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ साथ में इस समय, और साथ में कुछ बिज़नेस करने के लिए सोचते हैं। फिर उसके बाद वो भी सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले टाइम में। मेरा बेटा छोटा 1 महीने का हो गया है। मेरे जो भी मेरे फ्रेंड्स आए थे सबके लिए थैंक यू वेरी मच बोलूँगा, जो भी फंक्शन में आए थे। कोहरा वगैरह बढ़ ही रहा है धीरे 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 धीरे, आने वाले टाइम में फॉरकास्ट वगैरह जो है उसमें भी ये बता रखा है कि लाइक आने वाले 2-3 दिन में बारिश वगैरह होने वाली है। तो हमारे लिए एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमें पेड़ पानी डालना नहीं पड़ेगा, सबसे अच्छी बात यह है। तो मुझे पैसा नहीं लगाना पड़ेगा उसके लिए, डीजल नहीं लगाना पड़ेगा, तो भगवान जी से पानी आ जाएगा तो खेतों में, मेरे भी खेतों पे चले जाएगा और औरों के पास भी पहुंच जाएगा। तो किसान के लिए एक हेल्प हो जाती है, भगवान तो हर जगह में करते हैं मगर छोटी छोटी चीज़ों में भी भगवान की वजह से बहुत कुछ चीज़ें हमें आसानी मिल जाती है। लेमन ग्रास और रोज़ घास जो होती है उसको बहुत अच्छा, हमारे देश में बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है इसमें। औषध ये पेड़ की तरह काम करता है। अभी मैं ये गेहूं की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इस समय तो गेहूं लगा हुआ है मगर आने वाले टाइम में मैं गेहूं के अलावा मैं इसमें लेमन ग्रास करूँगा। मैंने अपने पापा को समझाया भी इस चीज़ के लिए, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया इस चीज़ के लिए। और जब मैं एक बार को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दूंगा इस चीज़ को तो फिर डेफिनेटली और लोगों को भी मैं फ़ायदा बताऊंगा इन चीज़ों के लिए। देखिए मेरे पापा भी, मेरे पापा वहाँ पे खड़े हुए हैं देखिए, क्योंकि वो सब चीज़ें देखते रहते हैं। ये चीज़ें नॉलेज बहुत ज़्यादा है मेरे पापा को इन चीज़ों के लिए। अच्छा मैं एक चीज़ और ये बोलूँगा कि लाइक अगर आपको मेरा अच्छा लगता है आपको, क्योंकि आपको मेरे, क्योंकि मैं फ़्रेश चीज़ें दिखाता हूँ आपको लाइक, क्योंकि होता है कि अभी मेरे पास कोई बड़ा कोई एरोप्लेन और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे घूमना और होटल्स वगैरह पे जाना, वो चीज़ मेरे को व्लॉगिंग का मतलब मेरा ये है जो लाइफ में है वही दिखाओ ना, छुपाना क्या है। आप लोग समझ जाते हो अपने आप ही ऑलरेडी, कितने दिन बना सकता है आदमी आर्टिफिशली, कितने दिन बना सकता है, मगर डे टू डे एक्टिविटी तो अपनी है जो ऑलरेडी है। आने वाले टाइम में मैं ऑफिस भी आऊँगा तो वो भी मैं दिखाऊँगा आपको कि मेरा ऑफिस है, मैं किस तरह से काम करता हूँ, डे टू डे एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ क्या होती है, आपको दिखाता ही रहूँगा मैं सब चीज़ें। आपको अगर पसंद आता है मेरा व्लॉग, आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ नई चीज़ें हैं और आपको अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, तो डेफिनेटली मेरे को सपोर्ट करिए और शेयर करिएगा इस चीज़ को। क्योंकि होता क्या है कि अगर अभी हम लोग सीख रहे हैं, मैं 1 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ ऑलरेडी और बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ मैं यूट्यूब से, और क्वालिटीज़ वगैरह थी, और अब जो है उसमें कुछ डिफरेंस होता जा रहा है दिन पे दिन, तो ये एक अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ नया सीखता है आदमी। तो बस यही है, नया कुछ ना कुछ अप्लाई करता रहूँगा यहाँ पे। तो ये खेत का है, ये है आपका बथुआ, बहुत बढ़िया है। आप ये देख रहे हो ना, देखो ये चलना कितना मुश्किल है इन चीज़ों में, क्योंकि होता क्या है कि जब इसमें पानी वगैरह हमारा पड़ जाता है, जब क्योंकि ये दूसरे का खेत ही है और ये हमारा वाला है इस साइड में, तो होगा क्या है कि यहाँ पर ना पानी जब पड़ जाता है तो सिर्फ हमारे पास सिर्फ यही रास्ता होता है चलने के लिए यहाँ से वहाँ तक। आप देख रहे हो ना ऐसे करके, तो होता है क्या है कि हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे इस समय सांप देवता कभी हमसे, देख ही रहोगे लाइक कि ऑलरेडी यहाँ पे ये फालतू का जो झाड़ वगैरह था वो साफ़ कर दिया गया है इसको ऑलरेडी। और देखो ये थोड़ा सा ये है ना गुलाए है, ये गुलाए है ये ऑलरेडी, आप देख रहे हो ये